अच्छा पूरे पार्टी के साथ है और सबको एडजस्ट किया जाएगा, हमारी पार्टी और पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि ब्याज दर बढ़ा दिया है कि जाति व्यवस्था जो कि पंडितों ने बनाई। देखिए उनसे बड़ा जानकार कोई नहीं हो सकता। और मैंने ये अभी कुछ दिन पहले कहा था, ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस इनोवेटर्स हैं, इनोवेट करते हैं चीज़ों को, इनोवेशन है इनके अंदर, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे आपको याद नहीं है एक बार मूर्तियों को दूध पिलवाया गया था, वो कौन लोग थे, उस साजिश के पीछे कौन लोग थे। बीजेपी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, उनके नेता कुछ भी कहलवा करके आगे बढ़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है अखिलेश यादव घर के बाहर सूद रहे हैं और घर में छत्रियां हैं, आपकी क्या? अरे कितनी अच्छी बात कही, बड़े जानकार लोग हैं, लगता है बीजेपी वाले अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं दिन और रात में इनको। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी अधर्म कर रही है। देखिए राहुल गांधी जी कभी कभी तो ठीक कहते हैं और नहीं 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 मैं मानता नहीं, मैं राहुल जी के लिए कह रहा हूँ। और अगर आप गूगल एक मिनट में देखिए, गूगल अगर आप करेंगे, क्योंकि ज़माना गूगल का है, ठग की परिभाषा बहुत अच्छी है, और जो ठग की परिभाषा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी कभी कभी ठीक बोलते हैं। सर महंगाई किसान की बात नहीं हो रही है, धर्म की बात हो रही है राजनीति में, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथियों हमारी मदद करो इसमें, कि सवाल महंगाई पर बेरोजगारी के पूछे जाए इन बीजेपी वालों से। और बीजेपी वालों का इसीलिए मैंने कहा 2022 ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा कि आय दोगुनी हो गई किसानों की, नौजवान को नौकरी रोजगार, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। बीजेपी के लोग मुख्य मुद्दे से हटा करके बहस छेड़ रहे हैं। आज सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है, हम दुनिया में कहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप आंकड़े देखिए, हमारी प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ खड़ी है, गरीबी में कहाँ खड़े हैं, भुखमरी में कहाँ खड़े हैं, बेरोजगारी में कहाँ खड़े हैं। और जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस बनाई थी, गांव नहीं पहुँच पा रही, पता नहीं क्या कर दिया बीजेपी वालों ने, इनके टायर खा गए ये लोग कि डीजल पेट्रोल नहीं दे रहे, कि ड्राइवरों को सुविधा नहीं दे रहे। पुलिस को बनाई थी 100 नंबर बदल दिया 112, बताओ बेईमानी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, क्योंकि वो नंबर बढ़ा तो पुलिस ने समझा हमें भी अपनी बढ़ानी है कुछ, उन्होंने भी अपनी व्यवस्था बढ़ा ली। देखिए वो सवाल मैंने कहा, ये जो रामचरितमानस को लेकर के या धर्म को लेकर, भगवान को लेकर के, मैंने कई बार कहा कि हम समाजवादी लोग हर भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं और जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको मानते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, वो संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, वो एक पीठ मठ से आए हैं, खुद को वो कहते हैं वो योगी हैं, तो उनसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए सदन में मैं उनसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि शूद्र क्या है, और ये 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, एक 5000 साल सी अब मैं नहीं जानता हूँ लेकिन आप लोग जानते होंगे, जवाब नहीं, देखिए आप लोग जानते होंगे, ये 5000 से पुरानी लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है। इसलिए इस लड़ाई को समय समय पे लोगों ने लड़ा है, लेकिन आज जागरूक समाज में जो खराब चीज़ है वो हटनी चाहिए, जो खराब है वो खराब है। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मैं सदन में जरूर ये सवाल पूछूंगा। अरे भाई ये महंगाई इतनी बढ़ेगी कि हम और आप लोग उस पर रहेंगे, वो जो मिल रहा है अनाज। अखिलेश जी एक तरफ टैक्स स्लैब कम किया जा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई पर बढ़ाई जा रही है। देखिए आपको हमको ये अनाज देना चाहते हैं 400 रुपये का, 300 रुपये का, और कहते चुप रहिए बस, ये इनका तरीका है काम करने का। लोगों को गरीबों को ये लगेगा कि अगर हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे तो लगता हमारा अनाज छिन जाएगा। लखनऊ का नाम बदला है, हम अगर लखनऊ का नाम बदला जाएगा, गाजीपुर का भी बदलने, अरे लखनऊ के नाम की मैं देखिए देखिए ये नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उससे सामान रखने का है, लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा एकाना नाम, उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? ये काम नहीं करेंगे,
आपने देखा होगा जितने प्राइमरी स्कूल हैं बच्चों को ना स्वेटर मिल पाया, ना जूते मिल पाए, ना खाना टाइम से मिल पाया, बस पुता दिया इन्होंने, स्कूल पोत दिए होंगे, किताबें भी नहीं उपलब्ध करा पाए, रद्दी में बेची जा रही है। और इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में, तो ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल देगी। आपको परमिशन नहीं मिल रही ना मुरादाबाद में मिली या बुलंदशहर में मिली, क्या वजह है? देखिए ये कहते हैं कि इन पे अंतर्राष्ट्रीय वो हैं हवाई अड्डे, इनका विज्ञापन देखिए, बताओ हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, एक्सटेंशन मैंने की हमारी सरकार में हुई, और उतरने नहीं दे रहे समाजवादियों को। यहाँ भी सुनने में आया कि हेलीपैड ठीक ठाक था, क्योंकि हमें तकलीफ देनी है समाजवादियों को, तकलीफ हो उनका कार्यक्रम ना हो पाए, किसी से मिल ना पाए, आपसे नहीं मिल पाए, उन्हें तकलीफ ये थी कि आपसे मिल लेंगे, आप पूछोगे हम जवाब देंगे, अब आपको मैनेज करेंगे वो लोग, कुछ मैनेज हो जाएंगे कुछ हम ना चलाएंगे, तो बदनामी तो बीजेपी की होगी ना। किसकी देखिए यहाँ आपको याद होगा ये शहर वो था जिसमें आग लगाना चाहते थे कुछ लोग, जानवर को लेकर के, गाय को लेकर के बड़ा सवाल उठा था, एक इंस्पेक्टर की भी हत्या हो गई थी, बताओ क्या मदद हो पाई उसकी इंस्पेक्टर की, बताइए मदद हुई क्या जो मदद का वादा किए गए थे? ये बीजेपी के लोग ही कराते हैं, याद रखना, जितना गड़बड़ होगा सब बीजेपी कराएगी।